मंदिर मस्जिद में ना बांटो, अल्लाह को भगवान को कहते ये साईं बाबा है सब में काशी काबा। ईश्वर अल्लाह एक समान, सब को संगति दे भगवान। रहम नजर करो अब मोरे। ओम साईं राम। साईं की महिमा में आज फिर आप सबके साथ हैं और हर बार की तरह हमें साथ मिला है साईं भक्त आश्रम क्षेत्र पर का। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम साईं राम। ओम साईं राम कन्हू जी। आश्रम जी, त्योहारों का मौसम आ गया है और चारों तरफ मैंने देखा है कि रक्षाबंधन से जो शुरुआत होती है तो फिर सेलिब्रेशन का एक पूरा माहौल हो जाता है। और आज जीवन में कोई भी हमें मौका मिलता है उत्सव का, यू नो, खुशी मनाने का या कोई भी फेस्टिवल होता है, वी एक्चुअली वॉन्ट टू सेलिब्रेट। बट फिर कहीं कहीं ऐसा भी हो रहा है कि जिंदगी को ऐसे ही चलने देते हैं। हर पल का उत्सव, जिसे कहा जाता है कि दैट इज द, यू नो, बेसिस ऑफ लाइफ, उसको कैसे महसूस किया जाए? हाउ टू क्रिएट दैट? हम पार्टी मोड में रहना चाहते हैं बट वो बहुत बाहरी है सब कुछ। देखिए अभी वर्ल्ड क्या हो रहा है, वर्ल्ड में Everyone is moving towards oneness, in the sense के अभी जैसे उस दिन स्टेटमेंट आया कि सब बैंक्स को मिला के नेशनलाइज बैंक को एक बैंक बना रहे। अमेरिका हैज़ रियलाइज कि सबको ज्वाइन करके एक के अंदर आप क्लब कर दो। यहाँ पर हमारे साल के अंदर 50 बर्थडेज होते हैं, जन्माष्टमी, रामनवमी, दशहरा, एवरी टाइम डिफरेंट सेलिब्रेशंस ऑफ डिफरेंट डेमी गॉड्स। एक संत आया जिसने कहा सबका मालिक एक। सो अब जो युग आ रहा है, बिकॉज माइंड ट्यून होने वाला है सबका कि एवरी थिंग इज गेटिंग कोलैबोरेटेड इनटू वन। व्हेन द बैंक्स गेट टुगेदर, व्हेन इंश्योरेंस कंपनीज विल गेट टुगेदर, हमारा माइंड सेट होना शुरू हो जाएगा कि वननेस में बिलीव करिए। वो वननेस जब बिलीव होनी शुरू हो जाएगी, दैट मींस के परमात्मा एक। अमेरिकन फिलॉसफी, जीसस क्राइस्ट, क्रिसमस एक ही त्यौहार है उनका, ईस्टर ना पूरे साल के अंदर कोई गॉड्स के त्यौहार है। क्लैरिटी तो है, हिंदू धर्म में ये क्लैरिटी खत्म हो गई। बिकॉज आई थिंक इट वॉज अ नीड एट दैट टाइम। नो, इट वॉज नॉट द नीड, बिकॉज there was different sects who wanted to create their own gods. Again, if you look at the drama, but, world drama, but yes, because of this non-clarity, हम लोगों को problem हो रही है। एक बात यहाँ मैं कहना चाहूँगी, अभी एक actually हमारे साथ जुड़े हैं एक caller, क्योंकि आपने जैसा कहा कि division, you know, somewhere ये जो हिंदू तो धर्म है ही नहीं कहा जाता है, हिंदू तो एक जगह है जो है, जो ये पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म जिसे कहते हैं, उसमें बेसिकली इट वाज अलाउड टू को क्रिएट, यू नो, टू बी एबल टू आज रिस्ट्रिक्ट करने के बजाय इवन अपने यू नो लाइक इष्ट को चुनना वाज अलाउड, अपने उनको इजाजत, हर व्यक्ति को, अगर हम अपने उसको भी पढ़ते हैं जो हमारा संविधान है, कि अपनी इंडिविजुअलिस्टिक, आज इसीलिए तो अगर मैं साईं बाबा को भी मानना चाहूँ तो ये मेरा अधिकार है, इट इज़ अलाउड टू मी, यू नो, रादर देन एक फिक्स्ड पैटर्न पे करके। बट जो भी आज बाबा को मानते हैं, सपोज पहले गुरु नानक को मानते थे, जैसे पंजाब में बहुत लोग हैं, इनके फ़ोन आते कि मुझे गिल्ट होता है। वी आर स्टेइंग इन दिस गिल्ट। वो गिल्ट ही हमसे आधे आधे काम कराता है। कोएग्जिस्टेंस की बात भूल गए हम। कोएग्जिस्टेंस, बट यहां पर मैं पेडेस्टल पे एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि देखिए बाबा इज कौन है। बाबा, आप जिस दिन ये रियलाइज करेंगे बाबा कौन थे, ही इज, बाबा के साथ में रामकृष्ण भी थे, बाबा के साथ में अंबेडकर भी थे, थोड़े पहले उनका
वहाँ जन्म हुआ था। बाबा के साथ में विवेकानंद भी थे। बाबा को ये महानता क्यों मिली? एक चीज की डेस्टिनी होती है कि आपको ये महानता मिलेगी, वाई? बाबा की मूर्तियां क्यों बनने लगी और पूजा क्यों होने लग गई? इट इज बिकॉज इट वॉज डेस्टिन्ड दैट उनको ये मिलेगा। जन्म से पहले इट वॉज डेस्टिन्ड। अब वो थे कौन? क्योंकि ऐसा युग आने वाला था कि आने वाला है और अब जो है, दैट वी इंडियंस एंड वी पीपल इन एशिया आर रियलाइजिंग दैट जितने जो अवतार हैं उनको एक में कोलैबोरेट करना है। वो एक ही है, चाहे उसको कृष्ण मान लो, वो एक ही है। सो ही इज सेइंग, ही सेड सब एक है, मेरे अंदर सब रूप देखो। बाबा विद कॉन्फिडेंस यूज टू से कि मेरे अंदर सब रूप देखो। जब तक वो 60 साल के थे तब तक हमने कभी नहीं बोला, एंड में बोलने लगा, बिकॉज दैट इज द टाइम ही गॉट दिस विजन फ्रॉम शिव सेइंग दैट तू बोल। उस टाइम लोगों को एरोगेंस लगती है, बट वो एरोगेंस नहीं थी इन हिम। उन्होंने बहुत लोगों को बोला आंख बंद कर क्या नजर आता है, वो नजर आया उसको। उसको किसी को कृष्ण नजर आए, किसी को विठ्ठल नजर आए, किसी को वो नजर आए बाबा। सो ही वॉज नॉट इन हेलुसिनेशन। बाबा रियलाइज्ड दैट शिव जेन्युइनली हैड गिवन हिम द पावर टू डू दिस। So that's what I'm saying, that it is possible. What Baba actually made us realize that, you know, whatever we want is possible within us also. हम में से हर एक में भी ये capability हो सकती है। अगर बाबा ने 60 साल बाद ये realize किया, you know, like अपनी शक्ति को पहचाना और अपनी शक्ति के बारे, जैसे आपने कहा, confidence से वो कह पाए, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उम्मीद जगती है कि ये सबके लिए भी तो संभव होगा, सिर्फ कुछ लोगों के लिए क्यों संभव होगा? ये सबके लिए ही संभव है, मगर ही हैज टू डू द पेनेंस एंड ही हैज टू फॉलो दैट पाथ रिलीजियसली डे एंड डे आउट ऑन हिज कन्विक्शन। विवेकानंद ने फॉलो किया, दैट्स इट, ही गॉट द आंसर। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल फ्रॉम द यूनिवर्स, द एफर्ट इट टेक्स टू टेक इट। अभी कविता जी हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। जी कविता जी, साई राम। साई राम जी, बताएं। ऐसे मेरे को अपने थोड़ा काम धंधे के बारे में, मेरे हस्बैंड का कोई भी काम धंधा नहीं बनता, ना नौकरी उनकी सही चलती है और ना काम धंधा बनता। तो मैं चाहती हूँ कोई ऐसा उपाय बताए जिससे कि मैं उनका काम धंधा सही हो। क्या काम धंधा करते हैं वो? वो ये पार्ले की बिस्किट वगैरह है, मतलब जितने बच्चों के आइटम्स होते खाने पीने की, उसका काम करते हैं। हेलो, तो काम धंधा ठीक क्यों नहीं चलता अगर वो तो एक सेट पैटर्न है कि जितने खाना खाएंगे उतना ही उनको? हाँ, मतलब कोई पता नहीं कैसे कोई भी अड़चन आ जाते हैं। कई बार मार्केट में पैसा फंस जाएगा और माल आएगा तो पार्टी लेने से मना कर देती, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। उनको एक बोलिए कि खाली आसपास कहीं गाय को जाके चारा देना शुरू कर दे। गाय को? हाँ, डेली डेली 30 दिन लगातार चारा देंगे। अच्छा जी। और मुझे अपने बारे में पूछना है, मैं बीमार है तो मेरा खून नहीं बनता। एक ही प्रश्न होता है कविता जी, जिस दिन आपके हस्बैंड की चीजें ठीक होनी शुरू जाएंगी, आप मेंटली यू नो यू विल बी कंफर्टेबल, आपकी अपनी बीमारी भी दूर हो जाएगी। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं साई राम। अच्छा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब चीज़ें खराब हो रही होती हैं तो हर चीज़ एकदम से सारी चीज़ें खराब होने लगती हैं, और एक भी चीज़ ठीक होती है तो या तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है या फिर यू नो लाइक समवेयर यूनिवर्सल एनर्जी चेंजेस एंड फिर सारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं धीरे धीरे। ये जो ठीक होना और ख़राब होना, फिर ठीक होना फिर ख़राब होना, इस साइकिल में जो हम कंटिन्यूस इन्वॉल्व होते हैं, इससे क्या हम बाहर निकल सकते हैं? बिकॉज बड़े सारे लोग जो हैं वो ये भी जानना चाहते हैं। बिल्कुल निकल सकते हैं साइकिल से, बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं। ठीक होना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काम ठीक हो जाता है उतनी देर हम रिलैक्स हो जाते हैं। जब आप रिलैक्स हो गए तो घटना घटी, बस हम भूल जाते हैं। आप उस टाइम जब रिलैक्स होते हैं तो अगर जो आप काम करे जा रहे हैं 100 बार काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20 बार तो करिए, वो बिल्कुल छोड़ देते हैं। That is human nature.
रिलैक्स, मतलब रिलैक्स तो होना ही चाहिए, मुझे लगता है जो वो काम कर रहे हैं तब भी रिलैक्स होकर ही काम करना चाहिए, पूजा भी रिलैक्स होकर ही करनी चाहिए। ये नहीं कह रहा पूजा करें, सपोज आपने गाय को चारा दिया, हाँ तो वो रिलैक्स होके करें, स्ट्रेस होके बट वो क्या होता है 30 दिन के बाद भूल छोड़ दें। हाँ। वो छोड़ने में क्या होता है, उतनी देर तो उसका इफेक्ट रहेगा जब तक उसका वो उसका विधान होगा, उसका इफेक्ट रहेगा, फिर वो इफेक्ट नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव, आप ये बात समझिए, वर्ल्ड इज ऑल यूज दिस थिंग ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जब तक वो नेगेटिव एनर्जी आती रहेगी आपके पास, ये पॉजिटिव उतना पावरफुल नहीं होगा, इसको बंद ही करना पड़ेगा तभी तो ये पावर देगा, वो पावर ही नहीं दे पाता। इस पर मैं बात आपसे आगे भी करूंगी। एक राजेश जी हमारे साथ, एक हमारे जो दर्शक हैं वो जुड़े हैं। राजेश जी, साईं राम। साईं राम जी, जी बताएं। जी मैं गुरु जी से पूछना चाहूंगा, मेरे को पिछले 25 साल से प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है मेरे को, ऊपरी हवा, सुन रहे हैं? हाँ जी सुन रहे हैं, बताइए। तो मेरे को 25 साल से मैंने काफी जगह इलाज कराया है, काफी हद तक फर्क भी पड़ा, लेकिन मैं पूरी तरह ठीक नहीं हूँ। उसकी वजह से मेरे शरीर के अंदर जो है प्रॉब्लम इतनी घुल गई है वो, कि मैं अब मेरी कमर से नीचे का सारा हिस्सा ना बिल्कुल समझ लो इस तरह से, जैसे कहना चाहिए मेरी कमर में दर्द है पिछले 2 महीने से, है तो 2 साल से लेकिन 2 महीने से बहुत ज्यादा दर्द आ गया, बिल्कुल पीछे 25 दिन बेड पे था। तो प्लस मेरा जो बिजनेस है, मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करता हूँ शूज का। हेलो सुन रहे हैं? हाँ जी सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ तो पिछले 25 साल से मैं बिजनेस भी हूँ, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है मेरा शूज का, चिल्ड्रन शूज का। तो उसमें भी इतनी प्रॉब्लम आ रही है, मैं पिछले 10 साल से समझ लो अपने घाटे में ही काम कर रहा हूँ। वो इसलिए कि चलो मैं कुछ ना जानता हूँ, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा हूँ, कुछ ना कुछ मैं अपने बच्चों के लिए खर्चा निकाल रहा हूँ, यही सोच के भी तक काम कर रहा हूँ। लेकिन आज की डेट के अंदर मैं कारखाना बिल्कुल बंद करने जा रहा हूँ, सारा सामान मैंने घर पर रख दिया। तो आज की डेट के बाद मैं काम बिल्कुल बंद करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं घर से लगा ला के पैसा बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ, इसलिए आज मैं बिल्कुल काम को बंद कर रहा हूँ बिल्कुल आज की डेट के अंदर। और साईं बाबा की कृपा से आज ही मेरी बात हो रही है आपसे। और मैं पिछले एक चीज़ को बताना चाहूँगा, पिछले 25 साल से मैं लोधी रोड पे बाबा का मंदिर है, 25 साल से वहाँ जा रहा हूँ हर संडे को, और ये बाबा का आशीर्वाद है कि मैं अभी तक बचा हूँ, लेकिन नहीं तो मैं कब का कुछ कर गया होता अपने आप से। जिस तरीके से मेरा प्रॉब्लम थी, काम करिए राजेश जी। जी बताइए, और बड़े ध्यान से सुनिए जी। आज ही लोधी कॉलोनी जाइए। हाँ जी। बाबा की 100 किताबें लेके, जितनी आपकी 100 किताबें संस्थान से मंगा लीजिए। अच्छा। ये किताबें पिक्चर बुक निकाली है संस्थान ने। अच्छा। जितनी आपकी लेबर है। अच्छा। और जितने आपके लोग को 100 किताबों को बांट दीजिए लेबर और मंदिर में। अच्छा, किताब कौन सी बांटनी है? ये साईं बाबा की जो फिल्म बनी थी उसके ऊपर किताब निकली है, जो साईं सच्चरित्र के ऊपर है, बाबा की पूरी जीवनी के बारे में। अच्छा जी। और जब आपका किताब बांटेंगे जी, साक्षात बाबा के सामने बैठिए। अच्छा। और बाबा से लड़िए। हाँ जी। कि मेरी तपस्या का क्या फायदा, मैं तेरी चौखट पे 36 साल से आ रहा हूँ या 20 साल से आ रहा हूँ, कि अगर तू मुझे ही खुश नहीं रख सकता, और मांगिए। अच्छा जी। उसको जाके पूजा करके और हाँ जी छू के आके का कोई फायदा नहीं है। आज आप वक्त आ गया है कि इंतहा हो गई, आप मांगिए। अच्छा जी। जैसे आप मांगेंगे, जैसे आप लड़के अपने क्रेडिटर से मांगते हैं ना, अपने डेटर से मांगते हैं, वैसे मांगिए। अच्छा जी। आपको फल मिलेगा, आज ही ये काम करिए, कल पे कुछ छोड़िए। जितनी लेबर है उनको बाबा की किताब दे दीजिए। साईं सच्चित्र देनी है कौन सी? साईं किताब संस्थान से मंगा लीजिए। अच्छा जी। पिक्चर बुक है 100 किताबें, आज ही मंगा लीजिए। शिरडी से मंगानी है? नहीं शिरडी नहीं, साईं बाबा संस्थान, जिसका टेलीफोन नंबर आपके पास है, जो आप टेलीफोन नंबर स्क्रीन पे आता है। अच्छा जी। ये किताब संस्थान ने कोई 3 लाख किताबें बिकी हैं, बांटी हैं लोगों को। अच्छा। लोग लेके करते हैं, और सब लोग, एक आदमी ऐसा नहीं है जिसने इसकी इसका पुण्य नहीं प्राप्त किया है। ठीक है जी। तो आज मैं मंदिर जाके बाबा से मांगूंगा आज जाके। बिल्कुल, पहले ये किताबें ले लीजिए और मंदिर जाके आज या कल के अंदर मांगिए। पहले ये किताबें लेके लेबर को पहले दे दीजिएगा। ठीक है जी, ठीक है। और आपको काम बंद करने का मौका नहीं मिलेगा, अगले सैटरडे को आप फिर फोन कर सकते हैं हमारे को। आप देखिए शारीरिक जो प्रॉब्लम है सर, शारीरिक प्रॉब्लम के बारे में अगली बार बात करेंगे, आज एक ही सवाल लीजिए और लड़िए। जब तक आप नहीं लड़ेंगे कुछ नहीं होने वाला, और मैं आपको गारंटी बोलता हूँ, बाबा आपकी बात आज जरूर सुनेंगे। राजेश जी, हमारी पूरी शुभकामनाएं, और जैसा बाबा का संदेश भी है कि श्रद्धा और सबूरी, तो आपका विश्वास ना डगमगाएं, और सबूरी तो आपने दिखाई दी है, पेशेंस आपने दिखाई है, तो फिर
जब श्रद्धा और सबूरी हम उसके रास्ते पर चल, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आई वॉन्टेड टू टॉक व्हेन वी आर वॉकिंग ऑन हिज पाथ. उसने कहा श्रद्धा और सबूरी, सिर्फ इतना रख, सबका मालिक एक, मेरे पास आ. श्रद्धा और सबूरी रखे रखे, यू नो, श्रद्धा भी रखी, पूरा विश्वास, सबूरी मतलब पेशेंस भी रखे रखी. अब तो फिर हमें मांगना बनता ही है, यू नो, एक रिलेशनशिप विद द डिवाइन रिलेशनशिप, जो आपने कहा कि गुरु के साथ एक रिलेशनशिप जो है. कनु जी, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो बोलें उसको प्रैक्टिस करें. नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस इज अनदर इशू, बट बोलने और करने में फर्क नहीं होना चाहिए. अगर आप सोचते हैं जैसे आप अपने बाप से कुछ मांग रहे हैं, बाप को देना ही है, मांगना आपको होगा. अगर आप नहीं मांगोगे वो बात टलती रहेगी, बट एक वक्त आता है जब आपकी आह निकलती है और वो सुन लेता है. वो कहता है तू मेरे पास एक बार भी चौखट पे आया और मेरे को आह से पुकारा तो मैं तेरे पास जरूर आऊंगा. ये नहीं कि तू पुकारता रहे, वो नहीं सुनता. जब आपके पास 2 मिनट रह जाते हैं एग्जाम के कागज कंप्लीट करने में और 2 क्वेश्चंस आपके रह जाते हैं तो वो 2 मिनट में आंसर जरूर लिख दिए जाते हैं. व्हाई? बिकॉज यू नो दैट इट इज दैट ओनली 2 मिनट्स व्हिच इज इंपॉर्टेंट इन द पेपर, लिख दिया जाता है. सो काम जो होगा आखिरी मिनट पे ही होगा, बट रियल आह जब आएगी तो यूनिवर्स विल लिसन टू यू. बट वो आह भी जो है वो भगवान थोड़ा ना कह रहा होगा, मतलब आई डोंट थिंक गुरु वुड लाइक यू टू गो थ्रू. देयर इज नो भगवान, अगेन द नेचर विल लिसन टू यू. गुरु, देखिए एक बात समझिए, गुरु भी आपको अपने बैड टाइम्स को क्रॉस करा देगा एंड ही विल टेक अपॉन हिमसेल्फ योर पीड़ा. बट आपका वक्त जब ठीक होगा, जैसे आपके स्टार्स होंगे, वक्त ठीक होगा तभी आपका काम होगा, उससे पहले नहीं होगा. ये हमें समझना है. तो वही तो मैं कह रही हूँ, हमने अपने काम को ही सब कुछ बना लिया है. सी, हमने वो जो बार बार महाभारत की बात आती है, एक मिनट रोशन जी, इसको हम थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं अपने लिए, कि जब हम कहते हैं कि फल ही सब कुछ है, जब तक मुझे वो नहीं मिलेगा तब तक मैं खुश नहीं हो सकता, जब तक मेरे बच्चे, इन्हीं की बात लेते हैं, बच्चों को मैं नहीं ठीक से रख पाऊंगा तब तक मैं खुश नहीं हो सकता, मेरी जिम्मेदारियां जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक मैं खुश नहीं हो सकता, तो फिर मैं खुश तभी होऊंगा जब वो जिम्मेदारियां पूरी हों. आई हैव टू एंजॉय द प्रोसेस. बार बार मेरे जहन में ये बात मुझे पहले कभी नहीं समझ में आती थी कि कर्म पे फोकस करो, डोंट डिसाइड योर फेट बिफोर हैंड. चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आप फल की इच्छा नहीं कर रहे, आपके घर में प्रॉब्लम है, आपकी बेटी 2 मिनट में आपसे नाराज हो जाती है बिकॉज अगर आप उसको कोई ज्ञान देना शुरू करते हैं, नो, मेरे को ये चीज़ दी नहीं आपने, मैं नाराज हूँ. 2 दिन के बाद आप क्या करते हैं? कहीं ना कहीं उसको ठीक करते हैं, उसको वो चीज़ ला के देते हैं. तो आर यू ऑन द राइट पाथ? यू नॉट ऑन द राइट. आई डोंट थिंक सो. हाँ, नहीं, और नहीं करते. सी, दिस इज वॉट वी नीड टू डू, दैट अगर मेरा कर्म ठीक है और मेरी अपनी स्टेबिलिटी है, उसका नाराज होना या ना होना वो उसका अपना कर्म है. Correct. उस वक्त मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ? सो एट दैट पॉइंट हैव पेशेंस, स्टिक टू वॉट यू आर कन्विंस्ड ऑफ, इवन इफ इट टेक्स 1 year, she will have more respect for you that yes, she sticks to her conviction. She doesn't give in to me. तो वो upbringing बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि संस्कार, वो है संस्कार. संस्कार आज की डेट में inculcate करना बहुत 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 difficult है. Very true. You know, child follows parent. बेसिकली चाइल्ड फॉलोज फादर. अगर आप अपने कन्विक्शंस पर, अपने एथिक्स पर, अपने यू नो, जो आपने अपने लिए तय किए हैं पैरामीटर्स, उन पर चल पा रहे हैं, एक्चुअली बच्चा आज आपसे कुछ भी मांगे, कुछ भी कहे, कल को वो उस पर चलेगा ही. तो मेरे से कल ही किसी ने पूछा कि मैं अपने बच्चे को, इतना एग्रेसिव हो गया है, मैं अपने बच्चे को एग्रेशन से कैसे बाहर निकालूं. मैं बोला आप कैसे होते हो जब उसके सामने होते हो? कहते मुझे तो गुस्सा आता ही है.
सो हाउ डू वी एक्सपेक्ट कि मुझे तो गुस्सा आता रहे और बच्चा जो है वो एग्रेसिव ना हो. इनफैक्ट अभी राजकुमार जी जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं. जी राजकुमार जी, साई राम. हेलो साई राम जी, पूछे अपना सवाल. हेलो जी, पूछे राजकुमार जी, आपकी आवाज आ रही है. हेलो राजकुमार जी. हाँ जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है. तो आप अपना सवाल पूछे. मेरा सवाल मैं कारोबार में है ना, बढ़त नहीं हो पाती. हेलो, क्या नहीं हो कारोबार में? कारोबार में बढ़त नहीं हो पा रही. किस चीज का कारोबार करते हैं? नहीं, मैं बैग बेचता हूँ. बैग? आप एक काम करिए राजकुमार जी, बहुत सरल उपाय है कि आप रोज रोज काम करने जाने से पहले सुबह सुबह शिव जी को जल डाल दीजिए. बस और कुछ मत करिए. रोज सुबह काम जाने से पहले शिव जी को जल चढ़ा दीजिए. बस बस कोशिश ये करिएगा कि जब आप जल चढ़ा रहे हो तो आप और शिव हो. बहुत सारे बैग्स, बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारी टेंशन ना हो. ये एक और बहुत बड़ी बात है. चलते चलते आपसे ये कहना चाहूँगी, ये जो सारे रिचुअल्स आप बोल रहे हो, छोटी छोटी बातें बोलते हैं, बहुत स्वीट है वो. जो उपाय हैं दे वेरी यू नो टचिंग, वेरी स्वीट, छोटे छोटे. लेकिन होता ही है कि इन उपायों को करते हुए भी हमारे अपने बाकी पुराने स्ट्रेस सारे चल रहे होते हैं साथ साथ. सो उससे भी हमारी मनोदशा कैसी होनी चाहिए? हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि मैं उस कार्य को करते हुए उसमें इन्वॉल्व हूँ. ये कार्य का मतलब क्या है कनु जी? यू डाइवर्टिंग योर अटेंशन. एक्चुअली कार्य का मतलब है आपकी आस्था थोड़े क्षण के लिए फिर पैदा होना. आस्था आप हवा में रखो तो हवा विल गिव यू द ब्लेसिंग्स. आस्था आप किसी व्यक्ति में रखो, इट विल गिव यू द ब्लेसिंग्स, बिकॉज द होल यूनिवर्स इज ऑल अबाउट आस्था एंड कन्विक्शन. वॉट इज आस्था? इट इज कन्विक्शन. सो वही चीज आप शिवलिंग को चढ़ा रहे हो, जो फोकस्ड शिवलिंग मेरे को ठीक कर देगी, वो कर देगा. यस एंड राइट नाउ दैट मोमेंट आई एम कनेक्टेड टू दैट. सो यू आर जस्ट थिंकिंग इट इज ओनली यू एंड दैट शिवलिंग. तो आप आंख बंद करते हैं, आपको शिव जिस फॉर्म में भी आप देखते वो प्रकट होते हैं. एंड अंदर आपको पता है कि अब मेरा काम हो जाएगा, और आप अंदर आपने सोच लिया कि हो जाएगा तो आपकी विक्ट्री. वेरी ट्रू. एंड एक्चुअली अनदर थिंग व्हिच कैन बी वेरी ब्यूटीफुल इज वो एक फीलिंग होती है कि भगवान मेरे साथ है. हाँ. भगवान क्या है? आपका आत्मबल ही उठ गया, वही भगवान. और मैं उसकी एनर्जी में हूँ. दैट्स वेरी ट्रू. यू नो अशम जी, हम आपकी एनर्जी में हैं, हम बाबा की एनर्जी में हैं. दैट इज़ वाई हमें पता ही नहीं चलता कि समय कहाँ निकल जाता है. तो थैंक यू सो मच इस पूरी बातचीत के लिए. ओम साई राम. साई राम. आप सबसे भी यही कहें कि बाबा हमारे आपके सबके हैं. तो जब भी उनसे कनेक्ट होना हो, जैसा कि बार बार बात हो रही है, किसी से भी हम किसी काम के लिए उनके साथ जुड़ते हैं, लेकिन जब जुड़ें तो उसके साथ जुड़ें, काम के साथ ना जुड़ें. काम तो होगा ही होगा, लेकिन जब उसके साथ जुड़ेंगे तो जब हमें प्राप्ति होगी बहुत बहुत खूबसूरत होगी. आपसे विदा लेते हैं. साईं राम.